गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर या फैंटेसी क्रिएटर्स पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का थर्ड ODI जो होने वाला है। 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू वही रहेगा, द रोज़ बॉल साउथहैम्पटन में। फ्रेश पिच है, यहाँ पे पिच फ्रेश यूज़ हो रहा है, तो उतना कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली मान के हम लोग चल सकते हैं। अगर लास्ट के दो मैचेस की कंपैरिजन की मैं बात करूं, तो फर्स्ट ODI में 14 विकेट गिरे थे, जो कि 11 विकेट फास्ट बॉलर को, स्पिन के लिए 2 विकेट मिला था और 1 रन आउट हुआ था। अगर सेकेंड ODI की बात करूं, तो 15 विकेट टोटल गिरे, 12 विकेट स्पिनर ने लिए, सॉरी फास्ट बॉलर ने लिए थे, 3 विकेट स्पिनर ने लिए थे। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो फास्ट बॉलर यहाँ पे ज़्यादा विकेट निकाल सकता है कंपेयर करेंगे स्पिनर से। तो स्पिनर सिर्फ हमारे लिए आदिल रशीद सही रहेंगे, बाकी कोई स्पिनर विकेट लेगा नहीं, तो आदिल रशीद को हम लेकर चल सकते हैं। अगर बात करें कैम्फर की, कर्टिस कैम्फर की, तो क्या हम उसको कैप्टन बना सकते हैं इस मैच में? क्योंकि देखिए, फर्स्ट मैच में मैंने आपसे कहा था कि कैम्फर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और हमने पिक भी किया था फर्स्ट ODI में और अच्छा खासा विन भी किया था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे एंडी बालबर्नी ने क्या कहा था कैम्फर के बारे में एक इंटरव्यू में, बहुत यूज़फुल है बॉल से और बैटिंग से भी, और ऐसा प्लेयर है जो कि कैप्टन को भी बोल बता सकता है कि क्या करना है, कि वो क्या करना चाह रहा है। तो हमारे लिए कर्टिस कैम्फर बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा इस मैच के लिए, और मैं उनके साथ कैप्टन भी जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि क्यों कैप्टन उनको मैं बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर सही रहेगा पिक करने के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए फाइनल अपडेट्स के लिए। तो ये आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैम्फर ओपन कर सकते हैं गैरेट डेलानी की जगह पे। पोर्टल फील्ड इस मैच में आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है पोर्टल फील्ड खेलें। अगर पोर्टल फील्ड खेलते हैं तो इनको ज़रूर पिक कीजिएगा, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आयरलैंड में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। इयान मॉर्गन नंबर 4 पे बैटिंग के लिए वापस आ सकते हैं। टॉम बेंटन को डिमोट किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में इयान मॉर्गन ने कहा था कि वो नंबर 4 पे बैटिंग कर सकते हैं। जेसन रॉय, ये क्रिकबस के अकॉर्डिंग है, जेसन रॉय अभी तक कुछ बड़ा स्कोर किया नहीं है, कभी भी चल सकता है बंदा, आपको भी पता है। जैसे रोहित शर्मा 2 मैच में फ्लॉप होता है तो 3रे मैच में कितना अच्छा स्कोर करके जाते हैं, वैसे ही जेसन रॉय भी यहाँ पर कर सकते हैं। जेम्स विंस की अगर बात करूं, तो इस मैच में भी पार्ट टाइम बॉलर का ऑप्शन रहेगा। लास्ट मैच में मैंने इनको इसीलिए पिक किया था कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, और एंडी बालबर्नी का विकेट भी इन्होंने लिया हुआ था। तो यहाँ पे मान के चलिए 3-4 ओवर बंदे का कंफर्म है, 3-4 ओवर ये डालेगा। केविन ओब्रायन आदिल रशीद के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं, और इयान मॉर्गन की ऐसी कैप्टेंसी है, अगर केविन ओब्रायन बैटिंग पे आएंगे तो आदिल रशीद बॉलिंग पे आ जाएंगे, और केविन ओब्रायन आउट होने का 90% चांसेस हो सकता है। टॉम करन यहाँ पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि रिस्टोपले इंजोर है तो ये मैच नहीं खेलेंगे। तो वो देखेंगे कि लाइनअप्स के बाद के आयरलैंड और इंग्लैंड क्या क्या चेंजेस करता है, किस किस को चांस दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैप्टन की ड्रीम इलेवन में, तो डेविड विली को लगभग 20% कैप्टन और 18% वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि उनको हर मैच में बैटिंग मिलेगा, लास्ट मैच में मिला था, लेकिन इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, तो हर मैच में उनको बैटिंग मिलने का चांसेस कम ही रहेगा, और हर मैच में वो 4+ विकेट्स तो ले नहीं सकते, यानी ले सकते हैं मगर लेंगे नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते कि उनको 4 विकेट ही मिलेगा, 2 विकेट भी निकाल सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप पिक के बारे में आगे चलते हुए वीडियो में बात करेंगे। गैरेट डेलानी अगर खेलते हैं तो ये ग्रैंड लीग टीम में ज़रूर इनको ट्राई करें, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जो कोई भी मैच में चल सकता है, अगर ये चला तो इसको कोई नहीं रोक सकता, 50+ तो आपको स्कोर करके दे देगा। सिमी सिंह एक डिसेंट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में मैं प्रिफर नहीं करूँगा इनको। अगर हमें चूज़ करना पड़ेगा एंड्रयू बालबर्नी और पॉल स्टिरलिंग के बीच में, ये टॉस पे डिपेंड करेगा कि कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है। अगर आयरलैंड कर रहा है तो मैं स्टिरलिंग के साथ जाऊँगा, अगर इंग्लैंड कर रहा है तो मैं बालबर्नी के साथ जाऊँगा। फर्स्ट इनिंग्स में 30 मैचों में एवरेज बालबर्नी का 27 है, सेकेंड इनिंग्स में 34 है। फर्स्ट इनिंग्स में 832 रन्स किया है, सेकेंड इनिंग्स में 1096 किया है। पॉल स्टिरलिंग दोनों तरफ से अच्छे हैं, फर्स्ट एवरेज 37 फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में एवरेज 34 रन्स, 2142 फर्स्ट इनिंग्स में, 9993 इनका सेकेंड इनिंग्स में है।
अगर इंग्लैंड के स्टैट्स प्लेयर्स की स्टैट्स के बारे में बात करूँ तो जॉनी बेयरस्टो 83 का एवरेज है भाई का, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। 83 का एवरेज है 5 मैचेस में, 166 रन्स, 82 हाईएस्ट। जेसन रॉय 11 का एवरेज, 44 रन्स, 24 हाईएस्ट, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कभी भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। जेम्स विंस 20 एवरेज, 3 मैचेस, 59 रन्स, 25 हाईएस्ट है, एक विकेट भी निकाला हुआ है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे। टॉम बेंटन 15 का एवरेज, 2 मैच में 26 रन, 15 का हाईएस्ट है, तो इनको ग्रैंड लीग में अगर आप चाहो तो प्रिफर कर सकते हो। सैम बिलिंग स्मॉल लीग के लिए भी प्रिफर्ड है, अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो इंग्लैंड, 120 रन किया है 2 मैच में। इयान मॉर्गन 7 मैच, 61 का एवरेज, 305 रन, 124 का हाईएस्ट है। मोइन अली कुछ कर नहीं पाए 2 मैचेस में, 0 विकेट, 0 रन, डकआउट हो गए थे। टॉम करन 3 विकेट निकाले हुए हैं। डेविड विली 9 विकेट 5 मैच, आदिल रशीद 12 विकेट 7 मैच, साकिब महमूद 4 विकेट 2 मैच। अगर आयरलैंड की बात करूँ प्लेयर्स की तो पॉल स्टिरलिंग 10 मैच, 20 का एवरेज है, 175 रन, 48 हाईएस्ट है, 2 विकेट निकाला हुआ है। गैरेट डेलानी 11 एवरेज, 2 मैच, 0 विकेट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे गैरेट डेलानी। एंडी बालबिरनी का एवरेज कम है, 14 का एवरेज है 6 मैचेस में। विलियम पोर्टरफील्ड अगर खेलते हैं तो, विलियम पोर्टरफील्ड खेलते हैं तो 31 का एवरेज है 9 मैचेस में, 281 रन, 112 का हाईएस्ट है इनका। हैरी टेक्टर फियरलेस क्रिकेटर है, अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, ओडीआई में उतना चल नहीं रहा है, लेकिन T20 का इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ओडीआई में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में 20+ इन्होंने स्कोर किया था, 25 शायद किया था। केविन ओब्रायन का 24 का एवरेज है 12 मैचेस, लेकिन मैं स्मॉल लीग के लिए इनको बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा। लॉरकन टकर 9 का एवरेज 3 मैचेस में, तो इनको भी प्रीफर नहीं करूँगा। कर्टिस कैंपर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं अभी, 127 रन, 2 मैचेस में, 3 विकेट, 68 का हाईएस्ट, तो कर्टिस कैंपर को हम जरूर पिक करेंगे, हम नहीं सारी दुनिया तो उनको पिक करेगी ही। सिमी सिंह 12 का एवरेज है 2 मैच में, 0 विकेट। एंडी मैकब्रेन 32 का एवरेज, 2 मैच, 1 विकेट, अगर आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करता है तो एंड मैकब्रेन को हम पिक कर लेंगे, क्योंकि ये बैटिंग से थोड़ा बहुत स्कोर हमें दे सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में उतना इनका कुछ कह नहीं सकते, विकेट नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, विकेट नहीं दे रहे हैं। जॉर्ज डॉकरल मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे, 7 मैच में 2 विकेट। अगर पीटर चेस खेलते हैं तो पीटर चेस को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि पीटर चेस 5 विकेट निकाले हुए हैं ऑलरेडी 2 मैच में। क्रैग यंग की अगर बात करूं तो 3 विकेट 2 मैच। जोश वाले टिल इंपॉर्टेंट रहेंगे, रन देते हैं, रन बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन विकेट भी निकाल के जाते हैं, 7 विकेट 2 मैचेस में। हमारे अकॉर्डिंग मस्ट पिक प्लेयर्स रहेंगे जॉनी बेयरस्टो, जेम्स विंस, जेसन रॉय, कर्टिस कैम्फर, जोशुआ लिटिल, आदिल रशीद, डेविड विली, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो या फर्स्ट बॉलिंग हो, ये मेरे हिसाब से ये 7 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन चाहिए, ग्रैंड लीग की अगर बात करूँ तो यहाँ से जॉनी बेयरस्टो प्रीफर कर सकते हो, सैम बिलिंग्स वाइस कैप्टन, विलियम पोर्टरफील्ड वाइस कैप्टन, जेम्स विंस वाइस कैप्टन, जेसन रॉय को कैप्टन कर सकते हो, कर्टिस कैम्फर को कैप्टन कर सकते हो, जोशुआ लिटिल को वाइस कैप्टन, आदिल रशीद को वाइस कैप्टन, डेविड विली को कैप्टन या वाइस कैप्टन, दोनों के तौर पर ग्रैंड लीग में प्रीफर कर सकते हो। अगर मैं मेरी ड्रीम 11 टीम की बात करूं तो मैंने इंग्लैंड की तरफ से 6 प्लेयर लिए हैं और आयरलैंड की तरफ से 5 प्लेयर लिए हैं। इंग्लैंड से जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जेम्स विंस, जेसन रॉय, यहाँ से आदिल रशीद, डेविड विली, ये चेंज हो सकता है, इनकी जगह पे मैं यहाँ पे टॉम करन को भी ले सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि किसका टॉस और लाइनअप्स के बाद वो डिपेंड करता है। आयरलैंड की तरफ से मैंने स्टिरलिंग को लिया हुआ है, पोर्टरफील्ड को लिया हुआ है, कैम्फर को, लिटिल को और मैकब्रेन को, चेंजेस यहाँ पे भी हो सकता है, अगर पोर्टरफील्ड नहीं खेलेंगे तो बालबिरनी या टेक्टर को प्रीफर करेंगे, अगर बैटिंग सेकेंड आता है तो स्टिरलिंग को भी ड्रॉप किया जा सकता है। कैप्टन मैंने यहाँ पे कर्टिस कैम्फर को बनाया है, वाइस कैप्टन जॉनी बेयरस्टो को, वाइस कैप्टन ऑप्शन जेसन रॉय, जेम्स विंस, डेविड विली, ये 3 भी आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर इयान मॉर्गन को इंक्लूड कर रहे हैं तो इयान मॉर्गन को भी प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना सजेशंस बताएं। थैंक यू।